तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमीषा पटेल की स्टोरी, जो उन्होंने इतने बार तो इतना सारा मूवी दिया ही है, बेसिकली बनाया ही है। बट एक चीज आपने नोटिस किया कि उन्होंने कभी भी सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त के साथ कभी भी मूवी में काम नहीं किया। तो हाल ही फिलहाल गदर 2 काफी हद तक ट्रेंड में चल रहा है, जो 11 अगस्त को रिलीज हुआ है, 22 साल बाद। पहला जो गदर 1 आया था वो भी ब्लॉकबस्टर हिट गया था, और ये जो गदर 2 आया ये भी काफी हद तक ब्लॉकबस्टर हिट गया है ब्रो। 11 दिन में 300 करोड़ का बिजनेस करते हुए नजर आया, और लोगों ने यानी कि दर्शकों ने काफी हद तक प्यार बरसाया गदर 2 ने। यार मतलब कि इंडिपेंडेंस डे में ना लग रहा कि सच में आजादी हुआ है, मतलब जो भी उस मूवी के लिए कितना क्राउड हो गया, क्योंकि गदर 1 बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट गया था, इसलिए गदर 2 के लिए इतना एक्साइटमेंट, और 22 साल बाद आया। तो हाल ही फिलहाल जब अमीषा पटेल से ये चीज पूछा गया कि आपने कभी भी सलमान खान या शाहरुख खान या संजय दत्त के साथ मूवी क्यों नहीं किया, तो वहीं पे अमीषा पटेल का ये बोलना था कि बेसिकली टाइम इशू था, इसके वजह से मैं काम नहीं कर पाई उन सब फिल्मों में, और मेरे भी कुछ पर्सनल इशू थे, इसके वजह से मैं वो सारी उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाई। यानी कि उनको सलमान खान का तेरे नाम से लेके उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाई, यानी कि उन्हें सलमान खान का तेरे नाम का मूवी का भी ऑफर आया था, इनफैक्ट उन्हें शाहरुख खान का चलते चलते मूवी का भी ऑफर आया था, और उन्हें संजय दत्त का मुन्ना भाई MBBS का भी ऑफर आया था, बट जस्ट बिकॉज द टाइम इशू, द डेट इशू, वो ये पिक्चरों में काम नहीं कर पाई। हाल ही फिलहाल उन्होंने इंटरव्यू में एक और बात बोला, जब मुझे गदर मतलब मूवी का मतलब मिले था टाइटल, जब मुझे सुनाया गया था कि स्टोरी लाइन एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि मैं मूवी नहीं करूं, बट लोगों ने ना ये मूवी को बोला कि ये गदर मूवी है ना, ये एक नंबर का गटर मूवी होगा। तो मैंने काफी हद तक मेहनत किया जस्ट बिकॉज कि उन लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज कर सकूं, और आज आप देख सकते हैं कि गदर मूवी के लिए कितना हद तक सब एक्साइटेड रहते। और अमीषा पटेल ने अपना डेब्यू मूवी दिया था कहो ना प्यार है, जो कि ब्लॉकबस्टर में काफी हद तक हिट हुआ था। उस टाइम में कहो ना प्यार और कभी खुशी कभी गम साथ में रिलीज हुआ था, मतलब खुशी टाइम का अर्फक था, बट फिर भी कहो ना प्यार खुशी कभी गम से ज्यादा हिट हुआ था, और काफी हद तक अवार्ड भी मिला था। तो मनीषा पटेल का ये सारी स्टोरी आपको कितना हद तक अच्छी लगी कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।